आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस बार स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर सभी स्कूल प्रभात निकालेंगे। वहीं 11 बजे सार्वजनिक ध्वजारोहण गांधी चौक पर बतौर मुख्य अतिथि मसूरी के विधायक व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी करेंगे। वहीं खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस को लेकर बैठक का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहित स्वच्छता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पर्यावरण मित्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। आयोजन यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए यहाँ पर किया गया है और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता दिवस को हम भव्य रूप से मनाएंगे और सब लोगों ने संकल्प लिया है कि राजनीतिक देश भावना छोड़ के और देश हित को देखते हुए हम सभी लोग इसको बहुत भव्य रूप से इस शहर में मनाएंगे। और जितने भी शहर के जो लोग हैं जिन्होंने अच्छे खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी लोगों ने अच्छा कार्य किया है उन सबको सम्मानित करने का कार्य हम लोग करेंगे। और सभी लोगों को इसमें जिम्मेदारी तय करी गई है कि कौन मैराथन कराएगा, कौन इसमें टेंट की व्यवस्था करेगा, कौन सफाई की व्यवस्था करेगा, सारी चीज़ें इसमें व्यवस्थित करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर साल के भांति हम भव्य रूप से इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का कार्य करेंगे। देखिए, हर घर तिरंगा जो हम एक कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है इसको देखते हुए नगर पालिका ने 6,000 झंडे अभी बनाए हैं और हम अगला हमारा उद्देश्य है कि अगले 2 दिन में हर घर के ऊपर तिरंगा लगाया जाए। और पूरी टीम्स हमारी रेडी है, सबको निर्देशित कर दिया गया है कि जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर आप ये सब तिरंगा हर घर के ऊपर लगाएं। और हम सबको भी ये निर्णय लेना है कि ये झंडे हर घर के ऊपर हम अपना तिरंगा लगाएं। सर, स्वतंत्रता दिवस, देखिए स्वतंत्रता दिवस पे मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी हम कार्य करें देश हित में करें, ईमानदारी से करें और राष्ट्र निर्माण के लिए करें। और इस अवसर पर मैं उन शहीदों को भी नमन करूँगा कि जिन लोगों ने हमें इस आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं सबसे यही निवेदन करूँगा जो भी कार्य करें जनहित में करें, राष्ट्र हित में करें, और क्योंकि राष्ट्र हित सर्वोपरि है।